इसको मैं सर्च करके देखता हूँ तो ये मेरे सामने आपके सामने ये मेरा जो चैनल है इसको जब मैंने मास्टर इन्फोटेक लिखा तो मेरा सेकंड नंबर पे जो चैनल है वो शो हो रहा है मास्टर इन्फोटेक। तो इस तरीके से आप भी अपने चैनल को सर्च करना चाहते हैं और रैंक पे लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने आ जाना है क्रोम में और क्रोम में अपने YT स्टूडियो को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे लास्ट पे एक ऑप्शन मौजूद है सेटिंग। जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने चले जाना चैनल। जैसे ही आप चैनल पे क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स मौजूद होते हैं। आपने इनके अंदर अपने जो चैनल के कीवर्ड्स हैं उनको ऐड कर दिया। लाइक मेरा मास्टर इन्फोटेक है तो मैंने मास्टर इन्फोटेक और जिस तरह की इन्फॉर्मेशन आप अपने चैनल पे प्रोवाइड करेंगे वो चीजें आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। इसके अलावा आपने ऐड करने के बाद इसको सेव कर देना है। इसके अलावा दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल का जो भी नेम है उसको एक यूनिक रखें, ऐसा नेम रखें जो दूसरों से डिफरेंट हो। लाइक मास्टर इन्फोटेक 1-2 जिस तरीके से रख सकते हैं। लास्ट में कोई डिजिट के कीवर्ड रखें। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मजीद इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है।